Action. Avec. So assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, and welcome back to my YouTube channel. This is my name. तो गाइस जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मैं मेरी बहन को लेके जाने वाला हूँ एक लॉन्ग राइड पर जो कि है मुंबई से हैदराबाद एंड देन बैंगलोर एंड देन बैक टू मुंबई। तो ये राइड पे मैं जाने वाला था मेरी बहन को लेके, बट एक प्रॉब्लम है कि मेरी बाइक की जो विंडशील्ड है वो बहुत छोटी है, एंड वो विंडशील्ड छोटी होने की वजह से आपको भी पता है हाई क्रूजिंग जो स्पीड में मैं जब रहूँगा तो मुझे विंड ब्लास्ट बहुत बुरा लगने वाला है, एंड वो टाइम पर हो सकता है कि मेरे को और बाइक चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, और अभी वैसे भी रेनी सीजन है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, पानी उड़ेगा या विंड ब्लास्ट भी आएगा। सो इस वजह से मैंने दो हफ्ते पहले मंगाया था AliExpress से एक विंडशील्ड एक्सटेंडर जो कि आप बेसिकली हर एक बाइक में लगा सकते हो, और ये मैंने खरीदा था 1600 रुपीज़ में AliExpress से। आपको अगर परचेस करना है लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो पहले मैं आपको प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। ये है मेरा प्रोडक्ट जो कि मुझे डिलीवर हुआ है आज ही, और कुछ इस तरीके से पैकेजिंग में आया था। सो गाइस दिस इज द ग्लास जो कि मुझे आई है इसके साथ में, जो कि लगेगी कुछ इस तरीके से, एंड मेरी विंडशील्ड जो है जो कि अभी आपको दिख रही है वो यहाँ है, वो यहाँ तक आ जाएगी, और इसको अगर लगाना है आपको तो एक क्लैंप आता है, वो क्लैंप भी इसके साथ में दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो गाइस इसका इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। सो ये जो है आपको ऐसा प्लेस करना है, उसके बाद में यहाँ का जो पॉइंट है इसके ऊपर में आपको लगाना है आपकी विंडशील्ड जो कि कुछ इस तरीके से आएगी। इसके साथ में एक्स्ट्रा बोल्ट और रबर की दो स्ट्रिप्स आती है जो कि आपको इसके अंदर डालना है ताकि आपके ग्लास के अंदर जो है वो स्क्रैच नहीं आए, क्योंकि आप स्क्रू टाइट करने वाले हैं, और ये है उसका लॉकिंग सिस्टम, इसे आप प्रेस करोगे तो ये लॉक हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सब जिस तरीके से ये रबर दिखता है इसके अंदर में आपको डालना है ये स्ट्रिप स्टील का जो है, वैसी सेम आपको दूसरे वाले भी रबर में करना है। सो इसमें दिए हैं चार वॉशर्स जो कि आपको आप एक एक नट के नीचे लगाना है ताकि आपकी विंडशील्ड जो है उसे लगे नहीं, और ये भी रबर जो है उसका भी काम यही है कि आपकी विंडशील्ड को प्रोटेक्ट कर सके। सो आपको ये जो रबर का आपको दिया हुआ है इसे आपको ऐसे बेंड करना है, बेंड करने के बाद यहाँ पर आपको थ्रेड दिया हुआ है एक प्रॉपरली इसमें रख कर स्टील इसके अंदर ही रहेगा, आपको निकालना नहीं होगा, और सिर्फ ऐसे स्लाइड कर देना, और ये इधर पे और लॉक हो जाएगा और ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। वैसी सेम आपको दूसरे का भी करना है। फिर इसे लगाने के बाद आपको टाइट करना है एलन की से। तो ये टाइट करने के बाद हमें अनइंस्टॉल करना होगा ये, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमारे विंडशील्ड के ऊपर लगेगा, ये नट आपको निकालना है, चार का एलन की होता है जिसे आपको यूज़ करना है। सो इस तरीके से आपको जो वॉशर रबर के दिए हुए थे ये आपको दो नट में जो आपने अभी निकाला है उसमें आपको लगाना है, एंड सो ये दो जो रबर वॉशर्स है ये आपको फिट करना है इसके ऊपर में समथिंग लाइक दिस, फिर इसके ऊपर में आएगा विंडशील्ड। सो कुछ इस तरीके से फिर आपकी विंडशील्ड लगेगी, और फिर अभी आपको स्क्रू टाइट करना है। तो गाइस जो आप ये स्लाइडर देख रहे हो इसमें आपके हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो, आपको कहाँ पर सेट करना है। मुझे चाहिए एकदम टॉप मोस्ट सेटिंग, तो मुझे ऐसा रखकर इसे यहाँ से टाइट करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो ये लॉक है इसे आपको नीचे पुल करना है और ये विंडशील्ड लॉक हो जाएगी। सो दिस इज हाउ द विंडशील्ड इज लुकिंग। पहले थी इतनी, अब हो गई हमारी विंडशील्ड इतनी, मतलब ये ऑलमोस्ट 4 inches की हाइट और इंक्रीज हो गई है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस क्लैंप। और जो ये विंडशील्ड का ग्लास है दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी ग्लास जो कि है ABS प्लास्टिक का,
नॉन ब्रेकेबल जैसे कि कंपनी क्लेम कर रही है। विंडशील्ड की लगाने की वजह जो था वो मैंने आपको बता दिया स्टार्ट में वीडियो की, कि मैं जाने वाला हूँ एक लॉन्ग राइड पर, इस वजह से मैं लगा रहा हूँ। बट आप ये जो विंडशील्ड एक्सटेंडर है ये आप कोई भी बाइक में लगा सकते हो जिसमें विंडशील्ड है, आपको लगता है कि वो बहुत छोटी है आपके हिसाब से, तो आप इसे लगा करके आपकी विंडशील्ड की हाइट और इंक्रीज कर सकते हो। और इससे आपको होगा ये कि आपका जो विंड ब्लास्ट का प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए सॉल्व हो सकता है। इस बाइक की जो कस्टम मेड विंडशील्ड आती है उसके बारे में मैंने इंक्वायरी किया था, बट द प्रॉब्लम वाज कि वो जो प्राइस था विंडशील्ड का दैट वाज गोइंग अराउंड 5,500 रुपीज़। सो मैंने एक दूसरा ऑल्टरनेट निकाला जो कि मैं मेरी बाइक में भी लगा सकता हूँ, और आप रॉयल एनफील्ड, हिमालयन और डोमिनल और जो भी बाइक्स है जिसमें छोटा सा विंडशील्ड आता है आपको लगता हो कि ये आपको विंड ब्लास्ट में प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो आप ये लगा करके आपका विंड ब्लास्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड अ स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर ए बी पॉजिटिव जिसने मुझे आज की वीडियो में हेल्प किया ये वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मैं आज खुद DIY कर रहा था, खुद इंस्टॉलेशन कर रहा था। एंड ब्रोमैंस तो सो इस वजह से बिनिल ने बोला कि यार मैं आता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके साथ में एक और हमारा एक डिफेक्टिव माल आया था जो कि सेव पूरी खाने के लिए आया था, एंड दैट माल इज स्टैंडिंग ओवर हियर। अगर आप भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज दिख गए फैन बन दे, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड चाओ। सो गाइस जैसे मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं मेरी बेनेली को लेकर जाने वाला हूँ एक लॉन्ग राइड पर जो कि है बैंगलोर से हैदराबाद। तो उसके साथ में एक और हमारा एक डिफेक्टिव माल आया था जो कि सेव पूरी खाने के लिए आया था, एंड दैट माल इज स्टैंडिंग ओवर हियर। ये वीडियो बिल्कुल लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, कुछ भी मत करना, गंदा वीडियो, गंदा हाथी पे चूहा लगा के। इस चूते की बात को ध्यान में ना डालते हुए आपको वही करना है जो आपका दिल करता है।